सो है फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोग को फ्रेंड श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। और आज है 23 जून, तो अभी 28 जून को मोदी जी आने वाले हैं और क्या कुछ तैयारियां हुई है, कितना काम हुआ है, अपने वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं और चेतगंज में क्या काम हो रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कितना काम हुआ है, तो आप लोग को पूरा व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये पूरा कलर किया जा रहा है, जो डिवाइडर है इसको पूरा कलर किया जा रहा है। और श्री नरेंद्र मोदी 28 जून को वाराणसी आगमन में, और तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इधर देखिए पूरा सारा काम हो रहा है। और आइए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को आगे भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को पूरा व्यू दिखाते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड आइए इसके ऊपर से दिखा देते हैं और कितना काम हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का धीरे धीरे काम हो रहा है। और तो आइए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ऊपर लेके चल के दिखा देते हैं आपको फ्रेंड। और फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ पर भी लाइट लगाने का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने, ये पूरा लाइट लग चुका है और ये लाइट ऑन होगा तो पूरा देखने में एकदम भव्य लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए एक बार ऊपर लेके चलते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। तो फ्रेंड ये इसके ऊपर का व्यू देख लीजिए, जो कि इसके ऊपर का व्यू। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये जो लाइट वाला काम है ये लग रहा है, बोर्ड वोड लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से एक बार नज़ारे देख लीजिए नीचे का, कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू। और ये तो पत्थर लगा दिया गया है, आप लोग को अपने वीडियो में दिखा दिए हुए थे। और यहाँ का कुछ साफ़ सफाई भी हो रहा है। तो आइए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को आगे लेके चलते हैं और दिखा देते हैं। तो फ्रेंड एक बार यहाँ का भी व्यू देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ऊपरी हिस्से में देखिए पत्थर लगाने का काम चालू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर देखिए साफ़ सफाई हो रहा है, और इधर ये देख लीजिए, इधर भी साफ़ सफाई हो रहा है। और कुछ पत्थर आया हुआ है फ्रेंड लगाने के लिए, तो आप लोग को दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में, काफ़ी खूबसूरत है। और कई दो पत्थर आई हुई है जो कि आप लोग को दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये इधर देख लीजिए, इधर सब सारी पत्थर अभी नया आई हुई है, जो कि अभी लगना बाकी है ये सब। तो देख रहे हैं इधर पूरा अभी आके रखा हुआ है। और इधर फ्रेंड अभी यहाँ पर अभी जो पत्थर लगाने काम बचा हुआ था, अभी बाकी है, अभी पत्थर लगा हुआ ही नहीं है, ये सब सारा जो है ना हट जाने के बाद ही लगेगा पत्थर। और उधर देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है उधर का पत्थर, और इधर अभी लगाना बाकी है। तो आइए आप लोग को आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं, तब तक वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं पूरा घाट एकदम साफ हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी मॉर्निंग में 6 बज गया है, जो कि अभी लाइट ऑन है, हम लोग नाइट में आए हुए थे नहीं ऑन था कुछ दिन पहले, और देखिए अभी मॉर्निंग में भी ऑन है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा घाट का एकदम साफ सफाई पूरा कंप्लीट हो चुका है। और एक बार इधर का व्यू देख लीजिए, इधर जो पत्थर रखा हुआ था उधर का भी काम हो गया है। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं पूरा घाट का साफ सफाई चल रहा है, और इधर का व्यू आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए, और इधर देख सकते हैं थोड़ा सा गंगा जी में जो कि गंदगी मचा के रखा हुआ है सारे लोग, बोतल वोतल अभी, ये देख रहे हैं, ये देखिए जो प्लीज यार, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं पानी पीने के बाद बोतल गंगा जी में ना फेंका करें, डस्टबिन यहाँ पर लगा हुआ है, हम कितनी बार बता चुके हैं आप लोग को, प्लीज़ यार डस्टबिन में फेंका कीजिए। और जो गंदगी यहाँ पर यहाँ के लोग हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि गंगा जी में जो भी है वो गंदगी ना किया करें। तो फ्रेंड आइए आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं। और सामने फ्रेंड मनगंगा घाट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड एक बार यहाँ से पूरा व्यू देख लीजिए, और सामने ही ये जो देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 का गेट है। और इधर जो दिव्यांग वाला लिफ्ट वाला काम हो रहा था बाहर के हिस्से में, आप लोगों को बताए हुए थे कि पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है। और जो दिव्यांग वाले लिफ्ट के जस्ट बगल में मणिकंका घाट पर जो पत्थर लगाने पर लिखा रहा था, तो वो भी लिखा गया है। तो आइए आप लोग को आगे लेके चलते हैं, दिखा देते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड। और ऊपरी हिस्से में फ्रेंड दिव्यांग वाले लिफ्ट के बगल में ऊपरी हिस्से में कितना काम हुआ है वो भी दिखाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।
तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं अभी यहाँ पर सारा पत्थर रखा हुआ है और वहाँ पर जो सीढ़ी लगाने सीढ़ी बनाने का काम हो रहा था और अभी आधा सीढ़ी बना हुआ है, आधा सीढ़ी रुका है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये लगा हुआ है, अभी ये हटा नहीं, इसके वजह से रुका हुआ है। तो आइए आप लोग को दिखा देते हैं। और अभी देखिए बालू वालू आके पूरा रख गया है जो कि उसी काम के लिए आया हुआ है। तो आइए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, यहाँ का कितना काम हुआ है और कितना बाकी है आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखाएंगे। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा कि इसी तरह का वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो मसाला पत्थर के बीच में जो मसाला भरा जाता है, ये सारा भरने का काम पूरा इधर कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आगे ही देखिए यहाँ जो पत्थर लगाने काम हो रहा था और उधर पत्थर लग चुका है और इधर बाकी है। इधर इसलिए बाकी है फ्रेंड कि इधर ये अभी मतलब वैसे ही है, जब ये हट जाएगा तो यहाँ पत्थर लगाने का काम यहाँ पर भी चालू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं और दिखा देते हैं, तब तक वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और सामने ही फ्रेंड देखिए ये बिरला निवास है, इसी के जस्ट बगल में फ्रेंड मणिकंका घाट है, ये देखिए मणिकंका घाट ही है। और फ्रेंड ऊपरी हिस्से में जो आप लोग को दिखाए हुए थे कि मणिकंका घाट का जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है, जो कि आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए मणिकंका घाट का बोर्ड लगा दिया गया है। तो आइए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं, तब तक वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ये फ्रेंड देख रहे हैं, ये देखिए ये जो लाइट लगी हुई है कितना खूबसूरत है, और बढ़ेगा जब ऑन होगा तो एकदम भव्य लगेगा। तो आइए आप लोग को ऊपर लेके चलते हैं, दिखा देते हैं। तो अभी फ्रेंड अभी हम लोग रैम्प के अंदर आ चुके हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये पत्थर जो है यहाँ पर कटाई का काम हो रहा था, और इधर आप लोग को दिखाए हुए थे कि इसके अंदर पावर मतलब कि पूरा व्यवस्था किया हुआ है, ये देखिए पूरा लाइन वाइन का व्यवस्था इसके अंदर किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो आइए आप लोग को आगे चल के दिखाते हैं, तब तक वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और देखिए अभी लाइट पूरा ऑन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये देखिए। तो आइए आप लोग को आगे लेके चलते हैं और पूरा व्यू दिखाते हैं, इसके अंदर का व्यू। इधर फ्रेंड ये देख रहे हैं, इधर अभी देखिए इस साइड से पत्थर लगाने का काम हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और उधर से तो पत्थर लग गया है, इस साइड से पत्थर लगाने का काम हो रहा है अभी। और एक बार ऊपर से पूरा नीचे का व्यू देख लीजिए फ्रेंड, ये देखिए, ये देख रहे हैं, और ये देखिए जो लाइट ऑन है खम्भे की, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड अभी निचले हिस्से में ये पत्थर लगाने काम हो रहा है, और ये देखिए रुके जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं ये पत्थर लगाने काम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अब आपसे। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं अब आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोग को रैम के बगल का जितना भी काम था आप लोग को पूरा दिखा दिए। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा कि इसी तरह का वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। चलिए चलते हैं, बाय बाय, हर हर महादेव।